ये हमने मटर पीस लिए वेजी चॉपर्स में, और ये हमारे साबुत मटर है, और ये हमने टमाटर, हरी मिर्च, धनिया वगैरह सब पीस लिया है। अब हम गैस ऑन कर लेंगे, हमारी कढ़ाई गर्म हो गई, हमने इसमें तेल डाल दिया, तेल भी गर्म हो गया है। अब इसमें हम जीरा डाल देंगे, हमने टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और लहसुन की पत्तियां वगैरह हमने सारे एक साथ पीस लिए। अब इसे हम डाल देंगे, जीरा हमारा भुन गया है। आपके अनुसार हमने डाल दिए, जिससे हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए। मसाले को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इतना कि उसकी महक चली जाए, प्याज का कच्चापन निकल जाए, इतना ही भूनना है मुझे। हम कलर वाली मिर्ची, जिसे बेगी मिर्च बोलते हैं, मिर्ची पाउडर डालेंगे, हल्दी डालेंगे, मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक वो तेल ना सूख जाए इसमें। चौथाई चम्मच गरम मसाला डाल देंगे हम इसमें, गरम मसाले से अच्छी सी खुशबू आ जाती है और खाने में भी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। देखिए हमारा मसाला भून गया है, हम मसाले में तेल छोड़ दिया है। आप चाहें तो टमाटर और प्याज अलग अलग भी पीस के डाल सकते हैं, मैंने एक ही साथ पीस लिया था। मैं इसमें किसी भी एक कटोरी मटर डाल दूंगी, ये मैंने साबुत मटर रखे थे ये भी डाल दूंगी। देखिए गाइस हमारी मटर की कढ़ी तैयार होने वाली है, अब इसे हम धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे। आप चाहें तो धनिया पत्ती डालें या ना डालें, ऑप्शनल है।
लाइक दिस रेसिपी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय गाइस।